बात दरअसल ऐसा हो गया, नीचे एक बंदा रहता है, ठीक है, पता नहीं कौन पागल होगा, वो ऑफिस ही जाता होगा, कहाँ जाता होगा पता नहीं, वो पानी का नल खोल के चला गया, ठीक है, काम में, वो नाइट ड्यूटी, नाइट शिफ्ट क्या करता होगा वो, कुछ नाइट ड्यूटी वगैरह, तो इतना दिमाग की दही हो गया, खाना वाना खाया, लेट हो गया, किचन में गया, पानी है नहीं। अब बताओ मेरे को, ऐसे कौन नल खोल के यार चला जाता है? अभी उसके लिए यार पूरा प्लॉट भुगतना पड़ रहा है, सुबह को आएगा वो 7 बजे। इतना दिमाग गरम हो गया, अभी मैं रात को मैं फ्रेश फ्रेश भी होना पड़ता है, मतलब पानी वानी के लिए, अभी बाथरूम में भी पानी नहीं है, बाल्टी में भी मैंने पानी रखा नहीं हूँ, इतना परेशान हो गया हो यार, इसलिए मैंने सोचा रात को ही व्लॉग बना दूँ आपको, बहुत दिक्कत हो गया, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आज रात को ही मुझे सब सब ये वीडियो व्लॉगिंग चालू करना पड़ा, बस यही है अभी। अभी क्या, अभी कुछ नहीं, अभी बस मैं सोने की तैयारी कर रहा हूँ, अभी सोऊंगा, अभी देखते हैं अभी क्या करता हूँ मैं, अभी टीवी वी देखूँगा शायद, अगर टीवी में कुछ अच्छा मूवी वगैरह आया है तो मैं देखूँगा, नहीं तो वही सुबह को उठूँगा। एकदम परेशान हो गया हूँ, एकदम परेशान। ओनर को मैंने, केयर टेकर को मैंने फ़ोन कर किया है, उन्होंने बोला सुबह तक मैनेज करने के लिए, अभी देखते हैं, अभी वो बोला उसको वाट लगाएगा, अभी देखते हैं, उसको वाट लगाना ही चाहिए, वो पागल जैसा चला गया अभी उसके, वो तो अभी अब मज़े कर रहा होगा नाइट ड्यूटी में, क्या कर रहा होगा भगवान जाने, और अभी हमको हाथ धोने के लिए अभी सोचना पड़ रहा है क्या करे यार, यही है ज़िंदगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी फ़िलहाल तो मैं रूम पे, अभी कुछ काम होगा तो कर लूँगा, नहीं तो टीवी वगैरह देखूँगा, तो बस ऐसे ही है चल रही है लाइफ बहुत बढ़िया से, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ, क्योंकि अभी तो पानी वानी भी नहीं है ना, तो घर का ये मेरा रूम है, ठीक है, ये दोनों ही मेरा रूम है, तो अभी मैं ताला वाला मारूँगा, ताला वाला मार के मैं बेड पे आपके साथ बात करता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज मैं व्लॉग किचन से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि अभी सो के उठा हूँ, अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगा, आज मैं आपको दिखाऊँगा कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँगा। तो रात को मैं बोल रहा था कि वो बंदा पानी खोल के चला गया था, पानी नहीं आया था, तो अब पानी आ गया है। ये लीजिए, पानी अभी आ गया है, तो अभी मैं आज पोहा बनाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा मैं पोहा कैसे बनाऊंगा, ठीक है। हाँ जी, ऑल सेट। मैं पोहा बनाने के लिए सब्जी अभी लूँगा, आलू, ये कुछ फलियाँ है, प्याज है और थोड़ी मिर्ची है, ठीक है जी, बस यही वेजिटेबल है अभी मेरे पास, तो मैं इसको बिल्कुल सिंपल ही बनाता हूँ, ऐसा कोई फैंसी नहीं बनाता हूँ मैं, जो भी सब्जियाँ हैं मेरे पास अभी अवेलेबल वही मैंने दिया, तो फिलहाल के लिए तो अभी बस इतना ही था मेरे पास वेजिटेबल्स, मैंने यही दे दिया। आज मैंने अभी इसको ढक के रख दिया है, अभी इसको मैं पकने के लिए दूंगा। मैं ये बोल रहा था कि मेरा अभी वेजिटेबल डन है, मैं अभी इसको पकाने के लिए रख दिया हूँ, पक जाएगा, जब पक जाएगा तो मैं पोहा मिक्स कर लूँगा, उसके बाद मेरा मील कंप्लीट है। तो बस यही मैंने आपको दिखाया, मैं उसमें कोई ऐसा कोई फैंसी मतलब ये सब मैं नहीं देता हूँ, ये कोरिएंडर सीड्स हो, करी लीव्स वगैरह मैं देता नहीं हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास सब्जी उतना है नहीं, बस फलिया था और आलू था, इसलिए आलू और फलिया दे दिया मैंने, तो यही अभी बन रहा है, अभी उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा। तो आज का दिन देखते हैं अभी क्या करता हूँ, क्योंकि अभी आप देख सकते हो बाहर कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा होगा आपको, कितना धूप दे रहा है, रोज़ ही बोलता हूँ कभी धूप दे रहा है कभी बारिश दे रहा है तो अभी जा रही है, अभी क्या कर सकते हैं, अभी
अकेले रहता हूँ तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना। खाना वाना मैं ही बनाता हूँ, तो यही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो आप तो जानते ही होंगे, अभी मेरा किचन है, मैं अभी खाना बना लेता हूँ, तो पोहे को बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करता हूँ, ठीक है। हेलो जी, मैं लेके आ गया पोहा, आप देख सकते हो, और साथ में है मेरे पास ब्लैक टी, ठीक है, लो शुगर, शुगर वगैरह कुछ नहीं, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं ये मील को खा लेता हूँ अभी। हाँ जी, मैं अभी जिम जा रहा हूँ, बीच में ना मैंने आपको कुछ नहीं दिखाया क्योंकि मुझे आज बहुत काम था, पीटी वगैरह लेना पड़ा मुझे ऑनलाइन, इसके लिए मुझे लेट हो गया, तो अभी मैं फ़िलहाल जिम जा रहा हूँ। कल मैंने आपको व्लॉग में बताया होगा कि मैं कुछ सब्जियाँ वगैरह लूँगा, कल भी नहीं ले पाया मैं क्योंकि मेरे को लेट हो गया था कल, अभी मैं लूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा कि मैं अभी क्या लूँगा। वो जिस सब्जी वाले के पास गया था वहाँ पर कुछ कांड हो गया, वहाँ पर कुछ शॉट नहीं दिखा पाया मैं आपको, वहाँ पर कुछ वहाँ पे सीन हो गया, झगड़ा वाला, लड़ाई झगड़ा हो गया, पता नहीं किसके साथ क्या हो गया, तो अभी तो मैं वहाँ से आ गया, अब मैं जा रहा हूँ जिम, जिम में ही जा रहा हूँ। अब रास्ते में अगर कोई मुझे सब्जी का दुकान मिलेगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा आपको, तो अभी फ़िलहाल तो मैं लेट हो चुका हूँ, मैं आपको आधा आधा शॉर्ट्स दिखाता हूँ क्लिप में, कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं, ठीक है जी। आज इतना मैंने आपके साथ बात किया भी नहीं है क्योंकि आज थोड़ा सा मैं बिजी था, तो अभी मैं जा ही रहा हूँ जिम, आज करेंगे बैक शोल्डर, फ्रंट शोल्डर, फ्रंट आगे का हिस्से के लिए अपन वर्कआउट करेंगे आज, तो बस यही है, गर्मी ज़्यादा है, अभी निकल रहा हूँ इस सेम रास्ते से जहाँ से मैं रोज़ जाता हूँ पहले। लो जी, मैं अभी जिम से आ गया हूँ, मैं जितना हो सके मैंने क्लिप्स दिखाया आपको, रोज़ रोज़ एक ही क्लिप्स क्या दिखाऊँ आपको, अभी बोर हो जाओगे। अभी मैं फ़िलहाल आ गया हूँ, अभी मैं शायद अंडे, ब्रेड और दूध लूँगा, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, आज कुछ अलग दिखाता हूँ, नहीं तो रोज़ तो एक ही जगह दिखाता हूँ, बोलता हूँ घर में जाके मैं आपसे बात करता हूँ, आज ऐसा नहीं एन करूँगा मैं, आज आपको मैं दिखाऊँगा कुछ अलग, तो मैं आपको मिलता हूँ डेयरी वाले के पास, आपको मैं छोटा छोटा क्लिप्स दिखाता हूँ अभी, ठीक है जी। एक अंडे का ट्रे और एक दूध का पैकेट और एक ब्राउन ब्रेड, दो लाइफ बॉय का साबुन, एक अगरबत्ती। तो जी, अभी मैं डेयरी वाले के पास आया हूँ, तो अभी मैंने अंडे लिया आपको, मैंने छोटा सा क्लिप था वो मैंने दिखा दिया, अभी वो जो भैया देख रहे हो ना, वो अंडे बहुत सस्ते में देते हैं ना भैया,
आप ज़रूर आना इनके पास, ये आपको हाईवे पे मिल जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं, मैं अभी अंडे वगैरह लूँगा लेके मैं आपसे मिलता हूँ। मैंने अभी ले लिया है ये सब देख सकते हो। अभी मैं फ़िलहाल घर में जा रहा हूँ, घर में जाके मैं आप लोगों से बात करता हूँ, ठीक है। आज मैंने बोला था क्लिप को अभी एंड नहीं करूँगा, मैं थोड़ा कुछ बातचीत करूँगा आप लोगों के साथ, ठीक है जी। अभी मैं घर जा रहा हूँ, मिलता हूँ। लो जी अभी मैं घर के रास्ते पे जा रहा हूँ, ये देखो मैं अभी घर पहुँचूँगा अभी, ठीक है जी। लो जी मैं फ्रेश व्रेश हो गया अभी, अभी मैं पोस्ट वर्कआउट में खाऊंगा आज 1 whole egg 2 egg whites, और साथ में है आज मेरे साथ, मेरे पास आज है 3 slices ऑफ ब्राउन ब्रेड, क्योंकि मुझे आज मल्टीग्रेन ब्रेड मिला नहीं, क्योंकि अक्सर कभी कभार मिलता है मल्टीग्रेन ब्रेड, तो आज मुझे ब्राउन ब्रेड से काम चलाना पड़ रहा है। उसके साथ तो आप जानते ही हो चाय है, लो शुगर, तो यही है। अब मैं ये पोस्ट वर्कर मिल को जल्दी से खा लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करता हूँ, ठीक है। लो जी मैं पोस्ट वर्कर मिल अभी खा लिया हूँ, अभी बस ऐसे ही मैं बैठा हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको दिखाया है पोस्ट वर्कर में कुछ भी ले सकते हो, कार्ब्स का सोर्स ले सकते हो और प्रोटीन का सोर्स तो आपको रखना ही है, कंप्लीट मील ले सकते हो। अगर आप आके आधे घंटे के बाद आपको वही प्रोटीन आइसोलेट तो आपको लेना ही चाहिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रोज़ खा के बोर हो चुके हो, 1 scoop whey protein या 1.5 scoop whey protein, तो आप आके आप एक कंप्लीट मील खा सकते हो जिसमें आपके पास कार्ब्स हो, प्रोटीन हो, ठीक है, और हेल्दी फैट्स हो। तो मैं वही खाया आज, ब्राउन ब्रेड, 3 slices ऑफ ब्राउन ब्रेड खाया, उसके बीच में मैंने लगा दी पीनट बटर और 1 whole egg और 2 egg whites, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आए, क्योंकि मुझे अब मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, इसके लिए मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूँ, और हो सके आपको भी ये वीडियो ब्लॉग लगे, बोर लगे तो बुरा मत मानना। मैं फिर भी मैं कंसिस्टेंसी में रख रहा हूँ यूट्यूब में, लगातार मैं वीडियो अपलोड कर ही रहा हूँ। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मैं आपको मैं रोज़ ही बोलता हूँ मैं बहुत इम्प्रूव कर रहा हूँ और आगे भी जाके मैं करूँगा। तो फिलहाल आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, तो आपको मैं मिलता हूँ कल कुछ अलग ब्लॉग के साथ, आपको मैं मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, अच्छे से रहना, बाय।